ये कैसी अजीब सी जगह है? इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा? Anybody there? अब ये क्या है? करण, लिसन या, इट्स नॉट फनी एनीमोर। कहाँ हो तुम? अब प्लीज ये मजाक छोड़ो और बाहर आओ। देख तो लैपटॉप में बेटा, कितना सोना मुंडा है। तेरी और इसकी जोड़ी को तो लोग देखते ही रह जाएंगे। और वो पड़ोस वाली रंजू की मम्मी, वो तो मेरे बेटी और सोने दामाद की जोड़ी को देखकर जलभुनकर मर ही जाएगी। मम्मी, अभी ये सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। हमारा शूट कभी भी शुरू हो सकता है और मुझे मॉडल की इन ड्रेसेस को ना फाइनल टच भी देना है। पहले अपनी जिंदगी की गड्डी को तो फाइनल टच दे ले। कोई कमाओ खाओ गोरा चिटा मुंडा, वेल सेटल्ड इन कनाडा देखकर शादी तो कर ले बेटा। छोड़ इसको। वेल सेटल्ड इन कनाडा, चल छोड़ कनाडा को, वेल सेटल्ड इन मुंबई ही सही। मेहर, तुम अभी तक यहीं हो? क्या क्या हुआ? अरे यार जल्दी करो, वो सब आ चुके हैं। ओह माय गॉड, वो लोग आ गए। कैलेंडर गर्ल फोटोशूट के लिए बिल्कुल रेडी है। हाँ चल, कहाँ जा रही है तू? और तू ये क्या मेहर मेहर लगा रखा है? तू क्या मेरी बच्ची का घर नहीं बसने देना चाहता है? तू जा उन कैलेंडर गर्ल्स को पहले अटेंड कर, चल जा, मेहर आ जाएगी अभी। और तुम चलो इधर, लड़के देखो। काम में। लाइट्स ऑफ। सो गर्ल्स, वैसे टाइम काफी हो चुका है तो हम एक घंटे का ब्रेक करते हैं। आप सभी लोगों के कॉस्ट्यूम चेंज होंगे, मेकअप और सबका सोलो मेकअप आ जाएगा जरा यहाँ। ओके। पैकअप हुआ नहीं कि भागे जा रहे हो? वैसे शूट काफी अच्छा था। थैंक यू। क्या? थैंक यू। बाय। बाय बाय। चाय देना प्लीज पौधा दा। पौधा दा पानी। मुझे भी प्लीज। प्रथम मेहर का? मैम वो तो अपनी मम्मा के साथ होटल की लॉबी में बैठी थी, उसके बाद तो वो नहीं दिखे। कहाँ फंस गई है ये? और इसकी मम्मी भी बड़ी कमाल है ना, जब देखो तब लड़कों की फोटो लेके घूमती रहती है। सच्ची कितनी क्यूट है उसकी मम्मी। लेकिन हमारे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम्स रेडी किया है ना मेहर ने? वेट, लेट मी कॉल हर। Not reachable. लगता है उसकी मॉम आज उसकी शादी करवा के ही रहेगी। It's weird. मेहर कभी ऐसा नहीं करती। प्रथम, चेक करो, वो अभी भी अपनी मॉम के साथ होटल लॉबी में बैठी नहीं है ना? Yes, I'm sure, मैं देखता हूँ। अरे ये देखो, मेहर की मॉम। Hi आंटी। Hello, hello. आंटी, मेहर कहाँ है? यहाँ नहीं आई क्या? नहीं नहीं नहीं। लेकिन उसने तो कहा था कि वो रेस्टोरेंट से सीधे फोटोशूट पर आएगी, और उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कैसा रेस्टोरेंट, कहाँ है मेहर? उस फोटो वाले लड़के से मिलने गई है। मेहर ने उस लड़के को फोन किया और उसने तुरंत उसको मिलने को बुलाया। किस जगह? लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट, आरके रोड पे। हेलो मैम, टेस्ट अच्छा ना खाने का? एंजॉय। सुशांत सर, आप यहाँ इस वक्त क्यों? मेरा रेस्टोरेंट है, जब चाहे आऊंगा जब चाहे जाऊंगा। नहीं सर, कुछ नहीं, सॉरी सर। हाय, वेलकम, टेबल फॉर सिक्स। नहीं नहीं, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। किसे? मेरी बेटी मेहर को, आपके रेस्टोरेंट के लिए ही निकली थी, ब्लैक ड्रेस डायमंड इयररिंग्स पहने थी, कहाँ है वो? ये है वो लड़की मेहर।
एक बजे यहाँ किसी से मिलने वाली थी। शर्मन नाम के लड़के से मिलने आई थी वो। देखिए आज मैंने तो इन्हें देखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं स्टाफ से पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आना तुम लोग। ठीक से देखो, इस लड़की को यहाँ पे देखा आज किसी ने? जी हाँ सर, मैंने देखा इन्हें। कब देखा था? दोपहर 1 बजे। लेकिन क्या, सही से बताओ, लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची है समझे, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। लेकिन ये रेस्टोरेंट के अंदर तो आई नहीं, बाहर ही खड़ी रही। उसके बाद एक ब्लैक कार आई है जिसमें ये बैठ के गई है। तो फिर गई कहाँ मेरी बेटी? मसाला लाना भूल गए क्या? सुशांत साहब बवाल कर देंगे पता है। अरे आप नाराज मत होइए, 2 घंटे में सब कुछ आ जाएगा, सारा सामान आ जाएगा 2 घंटे में। अच्छा ठीक है, ये चावल और आटा की बोरियाँ ना अपनी जगह सही रखवा दो, ठीक है जी। और पता नहीं कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तब तक मैं घी और तेल के व्यापारी से बात करके आता हूँ, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना। चलो इसको उठाओ, इसको सही जगह पे रख देते हैं। बस। ये हो गया। वो क्या है यार? क्या है? ये तो खून है। ये खून कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। देख गोनी में क्या है, देख। रुक मैं देखता हूँ। लाश मिली है। क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो तुम दोनों? सर हम एकदम सच कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। लड़की की लाश पीछे गोडाउन में है। नहीं वो, नहीं वो मेरी बेटी तो नहीं। आंटी प्लीज संभालिए अपने आप को, जाके देख लेते हैं। आंटी ये तो मेहर नहीं है। तो फिर मेरी मेहर कहाँ गई? हिम्मत रखिए आंटी, मेहर मिल जाएगी। मगर ये लड़की है कौन और कितनी बेरहमी से मारा है इस बेचारे को। लाश सर अंदर, यहां इस तरफ। जरा बॉडी चेक करो। लेकिन अजीब बात यह है कि इस लड़की ने वही एक्सेसरीज और ड्रेस पहनी हुई है जैसे महल में पहनी हुई थी। अच्छा तो आप लोग इस लड़की को जानते नहीं? नहीं। और आप लोगों ने इस लड़की को आज ही यहाँ पे देखा है या पहले भी कभी आई? सर इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। सच में सर, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। नहीं सर, आज से पहले नहीं देखा है इन्हें। आप लोग? सर मैं मैनेजर हूँ इस रेस्टोरेंट का। और सर मैं ऑनर हूँ इस रेस्टोरेंट का। अब आप हमें इजाजत दीजिए, हमें मेहर को ढूंढना है। कहाँ चली गई मेरी बेटी? मैंने क्यों भेजा उसे शर्मन से मिलने के लिए? शर्मन? ये शर्मन कौन है? वो शर्मन से मिलने के लिए गई थी, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने के लिए मिलने वाले थे। अच्छा आप हमें मेहर की सारी डिटेल्स दीजिए और शर्मन के बारे में आप लोग जो कुछ भी जानते हैं हमें बता दीजिए। यस सर, हम सारी डिटेल्स CID ब्यूरो में भिजवा देंगे। शुक्रिया सर, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ मगर आजकल लोग अपना फर्ज भूलने लगे हैं। आपके टीम में से एक मेंबर गायब है और फिर भी दूसरे केस में आपने इतना समय दिया, आजकल कोई इतना करता नहीं है। थैंक यू सो मच सर। करण नाम था उसका जिससे वो मिलने गई थी। और लीना करण से मिलने के लिए कहां गई थी? काश मैंने उससे पूछा होता सर। देखिए प्रकाश जी, संभालिए अपने आप को, कहीं इस करण का ही हाथ तो नहीं है लीना के खून में? सर और मेरी बच्ची महक, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं मेरी बच्ची को। मेहर जिस लड़की से मिलने गई थी उसका क्या नाम बताया आपने? जी शर्मन। मेरे सामने ही मेहर ने शर्मन को फोन भी किया था और शर्मन ने मेहर को ब्लैक ड्रेस और डायमंड इयररिंग्स पहनकर मिलने को बोला था। लीना भी सर ब्लैक ड्रेस और डायमंड इयररिंग पहन के ही गई थी।
कि करण और शर्मन दो अलग अलग लोग और दोनों ने लड़कियों को मिलने के लिए बुलाया एक ही गेटअप में। ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट कौन सा है जी? सुखबंधन.com। सुखबंधन.com। लीना को भी करण ने इसी वेबसाइट पर मिला था। सुखबंधन.com। और इनका पूरा नाम क्या है? करण कुमार जी, शर्मन एस। देखने में तो दोनों शरीफ और अच्छे घर के लग रहे हैं। रेडी निकल, यहाँ प्रोफाइल में नीचे नंबर दिया हुआ है, इससे बात करो इनसे। सर, करण का फोन बंद आ रहा है। सर, शर्मन का फोन ही बंद आ रहा है। सर, उस दिन जब मेहर को देर होने लगी तो मैंने सबसे पहले मेहर के नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। फिर उसके बाद मैंने शर्मन के नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन भी बंद था। इस करण और शर्मन, इन दोनों का पता लगाना होगा। ये कोई सहयोग नहीं हो सकता है कि दो अलग अलग लोगों ने इन दो लड़कियों को मिलने के लिए बुलाया एक ही तरह के गेटअप में, जिसमें से एक लड़की का खून हो जाता है और दूसरी गायब है। यहाँ इस प्रोफाइल में इन कंपनीज के नाम और नंबर्स हैं जहां पे ये लोग काम करते हैं। जरा फोन करके चेक करो। हेलो, टेल की सॉल्यूशन जीबी कॉल सेंटर। देखिए, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। आपके एम्प्लॉई शर्मन एस की पूरी जानकारी चाहिए हमें। मुझे आपके यहाँ एक एम्प्लॉई करण है, उसकी पूरी जानकारी चाहिए। ऑफिस में है आज वो, तो मुझे उससे बात करवाइए प्लीज, अर्जेंट है। क्या सर? सर, एक बीमारी की वजह से जुलाई 2013 में करण की मौत हो चुकी है। क्या 2013 में करण मर चुका था? हाँ सर। ऐसे कैसे हो सकता है सर? हाँ, शर्मन की मौत भी 10 महीने पहले हो चुकी है। हाय रब्बा, फिर वो कौन था जिससे मेहर की बात हुई थी? सर, अगर करण और शर्मन मर चुके हैं तो लीना और मेहर को किसने बुलाया होगा मिलने? इसका मतलब है इस खूनी ने मरे हुए लोगों की पहचान का गलत इस्तेमाल करके उन दोनों लड़कियों को फंसाया है। फिर ये काम करो, जितने भी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उन सबके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को यहाँ पे ब्यूरो में बुलाओ, और जितने भी ये मेल साइट्स हैं, प्रोफाइल्स हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उन सब पे फोन करो और क्रॉस चेक करो। हो सकता है ये खूनी अभी भी किसी और के प्रोफाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। लीना के चोंच मारे हुए जख्मों में जिस पंछी ने इसे चोंच मारी उसके मुंह की लार जरूर मिलनी चाहिए। सलाइवा रिट्रेसर। हाँ सर, मैं वही चेक कर रही हूँ। लेकिन सर, जिस किसी जानवर या पंछी ने इसे काटा है, बड़े सफाई से काटा है। ऐसा लगता है कि सारे घाव एक एक करके बड़े इत्मीनान से बनाएगा इसके शरीर पर। बिल्कुल ठीक है। और जो इसके पैरों के तलवों में जो ग्रिम्स मिली है ना, वो भी काफी सोच समझ करके चिपकी हुई। ऐसा लगता है जैसे ठान लिया हो कि भाई हम तो यहीं रहेंगे चिपक कर। ओ, तो ये है क्या? दया जी, दया, लीना के शरीर पर जो चोंच के घाव है उसमें हमें जीनस बर्मिक लोपस के सलाइवा के अंश मिले। जीनस बर्मिक लोपस, आखिर ये है क्या तारिका जी?
निखिल, ये मुर्गियों का डीएनए है। मुर्गियों का डीएनए? इसका मतलब इसे मुर्गियों ने चोंच मारा है? लगता तो ऐसा ही है। बिल्कुल। और वो जो इसके तलवों में जो एक कुछ पदार्थ मिला था जिसे तुम लोग मैल समझ रहे थे, दया, दरअसल वो मैल नहीं है, वो खाना है। खाना? खाना? डॉक्टर साहब, वो मुर्गियों का खाना तो नहीं? बिल्कुल दया, वही है। उसमें ऑयस्टर शेल्स के कुछ अंश मिले हो, सीप की खोल के कुछ अंश, कुछ टुकड़े, जो कि मुर्गियों के खाने के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, एक पोषाहार आहार। इसका मतलब है लीना को किसी पोल्ट्री फार्म में रखा गया था उस लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट के गोदाम में लाने से पहले। हाँ सर, श्रेया गई है सर एयरपोर्ट, थोड़ी देर में करण और शर्मन के घर वालों को लेके वो यहाँ ब्यूरो आ जाएगी। ओके सर, ओके। आप बड़ी, कितने लोग मिले हैं अभी तक जिनके आईडी का इस्तेमाल कर रही है कोनी? कोशिश चल रही है उन्हें ढूंढने की। सर, ये लोग लीडिंग मैट्रिमोनियल वेबसाइट के हेड है, ये मिस्टर व्यास और ये मिसेस रीना। हेलो सर, सुन के काफी हैरानी हुई, कोई आदमी खून करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, इसीलिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया ताकि उस खूनी की पहचान हो सके। जी सर, काफी छोटी छोटी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स है जो हमारे लिंक में है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं खूनी को ढूंढ निकालने की। शुक्रिया। हमें वो प्रोफाइल चाहिए जो कुछ समय पहले किसी वेबसाइट पे बंद हो चुकी है और वही नाम, फोटो और नंबर के साथ वो दोबारा किसी और वेबसाइट पे खुल गई है। जी सर, हम वैसे ही प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। आइए सर, ये है करण की वाइफ मीता और शर्मन के भाई विक्रांत। हेलो सर। सर, करीब 2 साल हो गए मेरे पति को गुजरे हुए, कोई अभी भी उनकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ। और सर, मेरा भाई शर्मन कभी भी किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे तो था ही नहीं सर, लेकिन अगर उसका प्रोफाइल था भी तो कोई भी उसका प्रोफाइल क्यों यूज करेगा, और सर वो भी उसके मरने के बाद। देखिए, वो खूनी आपके भाई शर्मन का आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा है अपने मकसद के लिए। कोई ना कोई कॉमन जगह है जहां से उस खूनी को शर्मन और करण के बारे में जानकारी मिली है। लेकिन सर, क्या कॉमन हो सकता है? शर्मन नाम का कोई भी आदमी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में भी नहीं था, और सर शायद वो दोनों कभी साथ में काम ही नहीं करते थे सर। और ये हो सकता है कि शर्मन और करण कहीं ना कहीं कॉमन जगह पे आते जाते हों, जैसे कोई कॉफी शॉप, जिम, क्लब। क्लब? हाँ सर, याद आया, रेड ओशियन क्लब, मेरे हस्बैंड उसी क्लब के मेंबर थे। सर, सेम क्लब का मेंबर मेरा भी भाई था सर। मतलब करण और शर्मन की पूरी इंफॉर्मेशन इस मुजरिम को इस क्लब से मिली है, तो ये भी हो सकता है कि ये खूनी इस क्लब से जुड़ा हुआ। कहाँ है ये रेड ओशन क्लब? तीसरा पॉलिटिक फॉर्म है ये, दो और ढूंढना भी बाकी है। सर, क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग, कैसा गुनाह हो गया? एक लड़की का खून हो गया है और उसके तार किसी पॉल्ट्री फार्म से जुड़े हुए हैं, और उसकी लाश हमें लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट से मिली। यह उसकी फोटो, पहचानते हैं? सर, मैं नहीं देख सकता, मैं किसी को मरा हुआ नहीं देख सकता। ठीक है, ये जिंदा लड़की, इसे देखो, मेहर नाम है इसका, पहचानते हो? नहीं सर, मैं इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। सच कहूं सर, तो मैं अपनी बीवी के अलावा किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। ठीक करता हूँ, तुम ऐसे ही नजरें नीचे करे रखो, हमें छानबीन करने दो, ठीक है? सर, क्या है ये? आ जाए वंती। सर, ये देखिए बाल। औरत के बाल। मेहर? सर, ये यहाँ कैसे आ गए सर? मेहर की लाश है। लाश? आप लोगों से मिलने के लिए मुझे 2 किटी पार्टीज, 3 ब्यूटी पार्लर के अपॉइंटमेंट्स
और एक चैरिटी फंक्शन का शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा। होता है कभी कभी। अब आप यहाँ आ ही गई हैं तो हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। पूछिए, क्या पूछना है? हम आपके क्लब के कुछ मेंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं। 6 महीने से ये क्लब बंद है, अब इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? ये देखिए, आपके क्लब के ये 2 मेंबर्स जिनके कुछ साल पहले मौत हो चुकी है, इनके बारे में जानना है। हाँ, लेकिन इनकी मौत से मेरा क्या लेना देना? इनकी मौत से नहीं, पर हाल ही में 2 लड़कियों का खून हुआ था। खूनी ने उनका खून करने से पहले इन दोनों की आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया था उनसे फोन पे बात करने के लिए। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हमें आपके क्लब के सारे मेंबर्स की लिस्ट चाहिए, उनका बैकग्राउंड चेक करना है। हमें शक है कि आपके क्लब के मेंबर्स में से ही कोई ये खूनी है। ओके, ठीक है, मैं आपको इनकी लिस्ट दे दूंगी। श्रेया, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, पता नहीं उसका अगला शिकार कौन है। 5 प्रोफाइल्स मिल चुके हैं अब तक। जी सर, करण और शर्मन के प्रोफाइल्स जन्मबंधन.com से डीएक्टिवेट होकर 24 घंटे के अंदर मेरी शादी.com पे एक्टिव हो गए। ताकि दूसरी लड़कियों को भी अपने जाल में फंसा सके। सर, ये 2 प्रोफाइल्स और हैं, ये कई मैट्रिमोनियल साइट पे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हुए हैं। 1100 59 59 21, 115151 33001। पूर्वी, इन दोनों नंबर का पता लगाते हैं, शायद यही हमारा खूनी हो। फोन कर दे इसे। सर, मिस्टर केतन जी, आप कौन? जी, मैं आकाशी कुमार बोल रही हूँ। मैंने आपका प्रोफाइल मेरी शादी.com पे देखा, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए आकाशी जी, मैं मिलकर बात करने में यकीन करता हूँ, तो क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगी? हाँ, कब और कहाँ? ब्लू केक कॉफी हाउस में मिलते हैं। कितने बजे? 5 बजे। और हाँ, मैं कुछ कहूँ तो बुरा नहीं मानेंगी ना? कहिए ना। आप एक काम करिए, ब्लैक ड्रेस और डायमंड इयररिंग्स पहन कर आइए। ब्लैक ड्रेस, डायमंड इयररिंग्स, ओके। ब्लैक ड्रेस, डायमंड इयररिंग्स। सर, इसमें सभी मेंबर्स के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये चक्कर है। क्या हुआ, खूनी मिल गया क्या? नहीं, खूनी नहीं, पर क्लू मिला है। क्या क्लू मिला? ये फोटो देखो। इस फोटो में क्लब के फीमेल मेंबर्स ने ये ब्लैक ड्रेस और डायमंड इयररिंग पहन रखी है। सर, ये तो क्लब की क्लोजिंग नाइट पार्टी के फोटोग्राफ्स हैं, और वो भी 6 महीने पहले के। सर, इसका मतलब खूनी के खून करने के पीछे की वजह उस पार्टी में हुई किसी घटना से जुड़ी हुई है। अच्छा कामिनी जी, आप कुछ बता सकती हैं कि 6 महीने पहले उस रात उस पार्टी में कुछ हुआ हो? I don't remember. मैं तो इस पार्टी में थी भी नहीं, मेरे स्टाफ ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। I was not in Mumbai. ठीक है, कोई बात नहीं, क्लब के इन सारे मेंबर्स को ब्यूरो में बुलाओ, शायद ये लोग कुछ जानते हो उस रात के बारे में। जिस लड़की की लाश हमें यहाँ मिली थी उसका संबंध JKL पोल्ट्री फार्म से है, और वहां पे हमें एक और लड़की की लाश मिली, मेहर नाम, और उसके खून में इस्तेमाल हुआ हथियार भी मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस हथियार में हमें खूनी के उंगलियों के निशान मिल गए। तो सर, आपको उस खूनी को वहीं ढूंढना चाहिए ना, उसी पोल्ट्री फार्म पर ही। जी हाँ, उस फार्म हाउस के मालिक ने ही बताया हमें। मिस्टर धीरज ने हमें बताया कि इस रेस्टोरेंट के सभी लोगों का वहाँ आना जाना बहुत है। लेकिन इससे क्या साबित होता है कि हमें से किसी ने खून किया? अभी पता चल जाएगा।
आप लोग जरा मुंह मीठा करिए, केक खाइए। केक? कैसा केक? ट्रुथ सीरम मिलाया हमने इसमें, सच उगलवाने वाला केमिकल। कुछ नहीं होगा इस केक बैग से। जब वो लड़की पोल्ट्री फार्म में मरी नहीं तो कहां से खून वाला हथियार और उस पर खून का निशान? डर मत। अरे वाह, बिना केक खाए सच बता दिया तुम। क्या मतलब सर? मुझे कैसे मालूम कि खून वहां पे नहीं हुआ? जी जी जी, वो मैं तूने खून किया नहीं सब, मैं खूनी सब, मैं तो उसके छुरे से डर गया था और उसका छोटा सा काम कर दिया बस। कैसा काम? साहब काफी रात हो गई थी, मैं अपना ऑर्डर देके पोल्ट्री फार्म से निकल ही रहा था, तभी अचानक एक आदमी ने मेरी गर्दन पर छुरा रखे कहा, इस लड़की की लाश को अपने रेस्टोरेंट के गोदाम में छुपा दो, नहीं तो तेरे साथ तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तूने लाश वहां पे रख दी? क्या करता साहब, बीबी और बच्चों का सवाल था ना साहब। देखने में कैसा था वो आदमी? साहब देख नहीं पाया, काफी अंधेरा था, उसका चेहरा दाढ़ी और टोपी से ढका हुआ था साहब। जानबूझ के चेहरा छुपा रहा था, हमको घुमा रहा है पोल्ट्री फार्म और रेस्टोरेंट के बीच में, पर खूनी खेल कहीं और से खेल रहा है। साहब मुझे माफ कर दो साहब। माफ कर दें? चलो जरा हमारे साथ चलो। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब। पांच बज गए पूर्वी, किसी वक्त भी आता होगा, खाली उसको बातों में उलझाना, हम लोग आके पकड़ लेंगे। हाँ सर। ये खंडाला जाने का रास्ता किधर है? खंडाला ये सामने से ना, वो सीधा वाला राइट है। अच्छा, और पुणे जाने का? अरे यार वो जो खंडाला है उसके आगे ही पुणे है, खंडाला पहुंच जाओगे तो पुणे पहुंच जाओगे सीधे सीधे। ओके थैंक यू। सर पूरी तो अचानक गायब हो गई। वो मोटरसाइकिल वाला, वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए था, उसको पकड़ते हैं, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सारे सिग्नल, सारे टोल नाके को अलर्ट कर दो। ऑफिसर पूर्वी की फोटो भिजवा दी गई है। हाँ, उसने ब्लैक ड्रेस पहना है और शायद उसका किडनैपर कोई आदमी है। ओके। सर सिग्नल है मगर बहुत वीक है। पूर्वी लगता है बात पूर्वी से दूर है, या पूर्वी ऐसी हालत में है कि हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। अब पता नहीं वो किस हाल में है। सर आइए। सर ये वो क्लब मेंबर्स है जो 6 महीने पहले क्लब क्लोजिंग की रात वाले फोटोग्राफ में थे। हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया सर? मैं तो 1 महीने से मुंबई में थी नहीं, कल ही आई और आज इस पचड़े में पड़ गई, क्या है ये सब? सर हमारा किसी भी खून से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए शांत हो जाइए, बात यह है कि जो आदमी लड़कियों का खून कर रहा है उसे बंद पड़े हुए क्लब और उसके मेंबर्स के बारे में सब कुछ मालूम है। वो लड़कियों को ठीक ऐसे ही कपड़े पहन के मिलने के लिए बुलाता है जैसे इस फोटो में। ये ब्लैक ड्रेस और कान में डायमंड्स के इयररिंग्स पहने हैं आप लोगों ने, ठीक ऐसे ही कपड़े पहन के मिलने के लिए बुलाता है। तो आप लोगों को कुछ याद है, कुछ हुआ हो, कोई खास बात? एक लड़की थी सर, हाँ शिवा। क्या जानते हो शिवा के बारे में? सर उस रात पार्टी में अपने मंगेतर के साथ अच्छी खासी बहस करने के बाद वो एक्चुअली हमें कभी पार्टी के अंदर दिखी नहीं। पार्टी में क्या, वो तो कभी कहीं हमें दिखी ही नहीं। शिवा अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अच्छा उसका मंगेतर इस फोटो में है? नहीं सर, एक्चुअली वो क्लब का मेंबर ही नहीं था। सर उस रात मिलने आया था उससे। आप लोग जानते हैं इसके मंगेतर को? नहीं सर, हम नहीं जानते उसके मंगेतर को।
शिवा के मंगेतर को ढूंढना होगा। शिवा, तुम नाराज तो नहीं हो ना कि मैं इसे लेकर के आया? पूर्वी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तू मेरी बात ही नहीं सुनती, ना तो मुझसे बात करती हो, इसलिए मैं इसे लेकर के आया। मैं अच्छी नहीं लगी है, सुनो ना। I'm sorry. तू चोट तो नहीं लगी ना? I'm so sorry. अब तुम आराम करो, मैं से बात करके आता हूं। आराम करो। बड़ी करारी धार है मेरे प्यार में, जिसे चाहता है उसकी जान ले लेता है। इतनी गहरी नींद में नहीं थी जितना तुमने सोचा था। तुम मेरी मंगेतर, तुम मुझसे कैसे लड़ सकती हो? जरूरत पड़े तो तेरी जान भी ले सकती हूं। तेरा ये कौन ही खेल? तुम ठीक हो? हाँ सर, सही आदमी दिमागी तौर पे बीमार है। ये देखिए सर, क्या हाल किया इसने अपने मंगेतर का। माय गॉड, क्या ये सब? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। उस रात क्लब की पार्टी में उसने शादी करने से मना कर दी, एंगेजमेंट तोड़ दी मुझसे, किसी और से प्यार हो गया था उसे, इसलिए उसी रात कुछ समय मैंने उसे मार दिया, लेकिन उसे कभी भूल नहीं पाया मैं, इसलिए फिर शादी की साइट पर जाकर मैंने अपना नकली प्रोफाइल बनाया, लड़कियों को मारना शुरू कर दिया मैंने, नफरत हो गई थी मुझे हर लड़की से, इसलिए उन्हें उसी लुक में बुलाता और फिर उन्हें मार दिया जाता। तुमने अपनी मंगेतर का खून किया, और तो और
बाकी लड़कियों को भी अपनी मंगेतर की तरह कपड़े पहनाकर एक के बाद एक उनका खून करते चले गए। अब तुम जहां भी जाओगे अकेले जाओगे और तुम समाज में रहने लायक नहीं हो। चार दीवारी के अंदर रहना होगा तुम्हें।